आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। यही कारण कि अलग अलग जगह करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। कानपुर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। वेस्ट जोन में चेकिंग के दौरान 7 करोड़ 38 लाख रुपए, तो वहीं काकादेव में 74 लाख रुपए, तो स्वरूप नगर में 54 लाख रुपए बरामद हुए। सीसामऊ थाना क्षेत्र से भी 6 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी है। देखिए, आज कानपुर नगर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन में दो या तीन थाने के अंतर्गत कुछ पैसे पकड़े गए हैं। जैसे काकादेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 करोड़ 74 लाख 77 हज़ार रुपये लगभग पकड़े गए हैं, और थाना स्वरूप नगर अंतर्गत 1 करोड़ 54 लाख 50 हज़ार पकड़ा गया, और थाना सीसामऊ में 6 लाख। तो ये कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ 38 लाख रुपए बन रहा है। तो पूरे पश्चिम में आज 7 करोड़ 38 लाख रुपए बरामद हुए हैं, और हर जगह पे थाना काकादेव क्षेत्र में, थाना स्वरूप नगर के खेत में एफएसटी टीम और संबंधित आईटी टीम भी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने सूचना दिया है, उनके टीम आ चुके हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आया हुआ है और जाँच प्रचलित है। पूछताछ हुई है कैश के साथ जो भी थे, उनका ये कहना है कि ये एटीएम मतलब कुल अलग अलग एटीएम पे ये कैश मतलब एटीएम में दाखिल करते हैं, लेकिन जब पूछताछ किया गया तो दोनों के पास कोई ऐसा प्रपत्र नहीं था जो प्रूव कर सकती थी कि ये उसी के लिए है। तो अभी बाद में जो आईटी डिपार्टमेंट आया है, उनके अपने जो कंपनी के वाले जो मैनेजर वगैरह वो भी आया हुआ है, वो कुछ पत्र दिखा रहे हैं, जांच प्रचलित है और जो भी कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। नहीं, अभी तो फिलहाल हम एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उनको दिया है, आईटी डिपार्टमेंट जब गो हेड देगी तभी इनको छोड़ा जाएगा, तब तक ये हमारे कस्टडी में रहेगी, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट अपने कस्टडी में ले लेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।